इंग्लिश स्पीकिंग में एक वॉच वर्ड का यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम स्पीकिंग करते हैं, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट इज आर एम का है प्रेजेंट में, उतना ही इंपॉर्टेंट वॉच वर्ड का है पास्ट में। दोनों ही चीज़ें सेम रहती हैं, क्योंकि इज आर एम में हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, जो भी वर्क प्रेजेंट में चल रहा है वो इज आर एम के साथ बनाते हैं और जो पास्ट में चल रहा था वो वॉच वर्ड के साथ बनाते हैं। तो वॉच वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, जो कि हमें सेंटेंसेस बनाने में और पिछली बात बताने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इस तरीके से सेंटेंसेस बनाने। तो मैं आज आपको वॉच वर्ड का यूज बताऊंगा, किस तरीके से वॉच वर्ड हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो होगी वो इंग्लिश स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी और अगली वीडियो इससे जो होगी वो इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। तो चलता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है और कहाँ पर वॉच यूज होता है, कहाँ पर वर्ब यूज होता है और किस तरह से हेल्पिंग वर्ब काम करती है इसके अंदर, वर्ब काम करती है, क्या स्ट्रक्चर है। तो देखिए, इसका नाम है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके अंदर वॉच वर्ब का यूज होता है, तो वॉच का यूज होता है सिंगुलर के साथ और वर्ब का यूज होता है प्लुरल के साथ। अब मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि वॉच का यूज थर्ड पर्सन के साथ होता है, यहाँ पर वॉच का यूज सिंगुलर के साथ होता है और आपको पता होगा कि सिंगुलर में आई आती है, तो आई आती है तो आई के साथ भी वॉच, बाकी के ही सी इट एनी सिंगुलर प्रोनाउन इनके साथ में वॉच का यूज होगा और प्लुरल नाउन प्लुरल प्रोनाउन और दे यू दे वी इनके साथ में वर्ब का यूज होगा। क्लियर हुआ गाइस? चलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए, जो आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से पढ़ा था सेम स्ट्रक्चर यहाँ है, सेम है एज इट इज, केवल फर्क किसका है, इज आर एम और वॉच वर्ब का। तो अगर आपने मेरी इज आर एम वाली वीडियो ही देखी है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नाम से थंबनेल होगी, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लें, और नहीं है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉच वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में जब आई एन जी आती है तो इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। क्लियर? सब्जेक्ट वॉच वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं सिंपल। लेकिन जब नेगेटिव बनता है तो क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम रहता है, बस यहाँ पर वॉच वर्ब के बाद में नॉट आ जाता है। तो मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, बाकी सेम है, केवल नॉट आ गया है, यही है स्ट्रक्चर। और जब हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव भी टू टाइप्स के होते हैं, डबल इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एस वर्ड वाले होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है, दैट इज सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो जिनका आंसर आपको यस या नो में दिया जा सकता है, वहाँ पर हम यूज़ कैसे करते हैं, वॉच वर्ब को पहले लेते हैं, उसके बाद में बिल्कुल एज इट इज जो ये सेंटेंस ये होता है आपका अफर्मेटिव वाला, इसको सिर्फ आगे ले लेते हैं, बाकी सेम रहता है, कैसे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्लियर? नेक्स्ट, जब नॉट की बात होती है तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लगता है, तो यहाँ पर भी जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात होगी तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, नॉट लगेगा, तो सब्जेक्ट कहाँ है ये रहा और नॉट कहाँ है ये रहा, बाकी का एज इट इज रहेगा। कैसे, वॉच वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी डेट इज फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हम बात कर लें डब्ल्यू एच वर्ड की, डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब होता है, डब्ल्यू एच जो फैमिली होती है वाई वॉट वेयर हाउ वैन, ये सब डब्ल्यू एच फैमिली होती है। तो इसमें केवल आपको कुछ नहीं करना, केवल जो डब्ल्यू एच वर्ड है ना इसके सामने, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसके सामने लगा देना है, चाहे वो नेगेटिव वाला हो चाहे पॉजिटिव वाला हो। कैसे, ये डब्ल्यू एच वर्ड लगा दिया हमने और ये दोनों ही स्ट्रक्चर यहाँ उतार दिया, पहला वाला स्ट्रक्चर यहाँ उतार दिया और ये इसका कॉपी यहाँ कर दिया, तो क्या हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वॉच वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्लियर? और ऐसे ही नेगेटिव वाला, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, फर्क इतना होता है कि जो डब्ल्यू एच फैमिली के जो वर्ड हैं वो केवल स्टार्टिंग में आते हैं और इसका आंसर यस या नो में नहीं दिया सकता, इसका आंसर केवल डिस्क्राइब करके ही दिया जा सकता है। क्लियर गाइज? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, जब स्पेशल केस होता है हमारा, स्पेशल केस का मतलब है, मैंने पूछा कि यहाँ पर कौन रहता था, इसका मतलब सब्जेक्ट के बारे में बात करें, यहाँ पर अब तक कौन रह रहा था, यहाँ कौन पढ़ रहा था, तो हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट के बारे में जब बात करते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी ये वाली वर्ब लगती हैं सब। कैसे, सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, केवल यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, फिर उसके बाद वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी ऑब्जेक्ट प्लस
अदर वर्ड, यानी सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर। और ऐसे ही सेम नॉट लगा दीजिएगा, नॉट कब लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद या सब्जेक्ट के बाद, तो सब्जेक्ट है नहीं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लग जाएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया? चलिए एक स्ट्रक्चर और भी है, मैं उसके बाद बताऊँगा आपको, लेकिन मैं पहले आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि सेंटेंस हमारे किस तरह से बनते हैं। हमारा पहला अफर्मेटिव सेंटेंस है जैसे कि मैं कल उसके साथ उसके फार्म हाउस पर बैठा था। अब इसमें रहा था, रही थी, रहे थे तो आया ही नहीं, तो सर इसका मतलब ये तो पास्ट कंटीन्यूअस है ही नहीं, यही कहना चाहते हैं आप? क्योंकि अब तक हमने सर यही पढ़ा है तो रहा रही नहीं है, रहा था रही थी नहीं है, तो इसका मतलब पास्ट कंटीन्यूअस हम गलत पढ़ा रहे हैं, यही बात है ना? नहीं बेटा, ये जो है बैठा था इसका मतलब वर्क इज गोइंग, वर्क वॉज गोइंग ऑन कंटीन्यूअसली इन पास्ट, कोई भी काम पास्ट में लगातार चल रहा था वहाँ पर हमारा पास्ट कंटीन्यूअस होता है। क्लियर? तो वो बैठा था यानी कि कल मैं उसके साथ बैठा था, यानी तब उस समय काम चल रहा था, समझ में आया? तो जो भी काम पास्ट में चल रहा था वो पास्ट कंटीन्यूअस। तो कैसे बनाएंगे इसको हम? आई यानी कि मैं का आई, आई के साथ क्या आएगा? वॉच। तो आई वॉच, आई वॉज सिटिंग विद हिम एट हिज फार्म हाउस यस्टरडे, मैं उसके साथ उसके फार्म हाउस पे कल बैठा था। क्लियर हुआ? और अगर नहीं बैठा तो कैसे बोलेंगे? आई वॉज नॉट सिटिंग विद हिम एट हिज फार्म हाउस यस्टरडे, मैं उसके फार्म हाउस पे कल नहीं बैठा था। अब ले लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस जैसे वह अपने घर पर मैथ नहीं पढ़ रहा था, अपने घर पर मैथ नहीं पढ़ रहा था, यानी कि हो सकता है इंग्लिश पढ़ रहा हो, हिंदी पढ़ रहा हो, लेकिन मैथ नहीं पढ़ रहा था, तो कैसे बोलेंगे इसको? ही के साथ क्या आएगा? वॉच। हिज होम, वह अपने घर पर मैथ नहीं पढ़ रहा था, तो इसका मतलब ये तो हो गया कि ही वॉज स्टडिंग मैथ एट हिज होम, वो अपने घर पर मैथ पढ़ रहा था लेकिन नहीं पढ़ रहा था, तो कैसे बोलेंगे इसको? यहाँ पर वॉच के बाद नॉट आएगा, कहाँ पर आएगा? इस जगह पर। मैं ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए मिस्टेक करके चलता हूँ जिससे कि आप जल्दबाजी जो कर रहे हैं वो ना करें। तो क्या आएगा यहाँ पर? ही वॉज नॉट। क्लियर हो गया? चलते बढ़ते हैं आगे हम। क्या वे कल सुबह, देखिए यहाँ पर स्टडी के साथ में आई एन जी आया है, मैं रूल्स पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर पाई आता है इसी कंडीशन में, आई आई क्या होता है? आई एन जी लग जाती है वो। नेक्स्ट, क्या वे कल सुबह जल्दी पार्क में घूम रहे थे? इसका मतलब वे, या और वे से पहले क्या आएगा? वर। वर दे, क्या वे कल सुबह जल्दी पार्क में घूम रहे थे, यानी सुबह जल्दी, यानी हो सकता है 4-5 बजे करीब की बात हो, तो वर दे वॉकिंग इन द पार्क अर्ली यस्टरडे मॉर्निंग, अर्ली यस्टरडे मॉर्निंग यानी कल जल्दी सुबह। क्लियर हुआ? यहाँ पर वॉकिंग का मतलब होता है घूमना, और घूमने के साथ में आई एन जी आ गया तो वॉकिंग बन गया। बढ़ते हैं आगे बेटा आगे। क्या वह संस्कृत की किताब नहीं पढ़ रही थी? इसका मतलब संस्कृत की नहीं, इंग्लिश की पढ़ रही थी, तो कैसे बोलेंगे इसको हम? कि वो क्या वो संस्कृत की किताब नहीं पढ़ रही थी? तो वॉज सी, वॉज सी, सी क्यों आया? क्योंकि पढ़ रही थी। वॉज सी नॉट रीडिंग द संस्कृत बुक, क्या वह संस्कृत की बुक नहीं पढ़ रही थी? हाँ जी, नहीं पढ़ रही थी। सी वॉज नॉट रीडिंग संस्कृत बुक, सी वॉज रीडिंग इंग्लिश बुक। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है आपका, क्या तुम वहाँ घूम रहे थे? तो क्या कल तुम कहाँ घूम रहे थे? एक्चुअली आई एम टॉकिंग टू समवन और आई एम आस्किंग कि कल आप कहाँ घूम रहे थे भाई, मैंने आपको देखा था वहाँ पर, तो कैसे बोलेंगे इसको? वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर, तुम कल कहाँ घूम रहे थे? घूमने की वॉक होती है, तो वेयर वर यू वॉकिंग, तुम कल कहाँ घूम रहे थे? और अगर हमने ऐसे कहा कि कल तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे भाई, बहुत अर्जेंट काम था मुझको और तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तो जब आप उससे मिले तो आप कैसे बोलेंगे? तुम कल मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तो कैसे बोलेंगे इसको? सबसे पहले क्यों आया, और मैंने आपको बताया यहाँ पर जब भी डब्ल्यू एस वर्ड आया तो सबसे पहले हम डब्ल्यू एस वर्ड का यूज़ करते हैं, तो क्या लगाया हमने? वाई, वाई क्यों नहीं उठा रहे थे, इसका मतलब तुम की बात हो रही है, तुम, तो वाई वर यू, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कब नहीं उठा रहे थे? यस्टरडे, तो यहाँ पर लगा दो यस्टरडे, यहाँ पर लगा दो यस्टरडे। समझ में आ रहा है बेटा? ये सेंटेंस कैसे बना? ये सेंटेंस ऐसे बना कि आपका क्यों वाला सेंटेंस है आपका, यानी कि डब्ल्यू एस वर्ड, डब्ल्यू एस वर्ड पहले आ गया उसके बाद में आपका पूरा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। यहाँ पर वर यू नॉट पिकिंग अप द कॉल, पिकिंग अप माई फोन, ठीक है।
अब आप ऐसे भी तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि इस कमरे में अब तक कौन रह रहा था, ये इतना जो कमरा है इतना खराब पड़ा हुआ है, इतना गंदा पड़ा हुआ है, ये अब तक कौन रह रहा था इसमें। तो ऐसे पूछने के लिए हम सब्जेक्ट के बारे में जान रहे होते हैं, तो हमें पता है कि इस कमरे में हो सकता है एक ही बंदा रह रहा है, क्योंकि अगर हम ये तो नहीं कर रहे इस कमरे में कौन कौन रह रहे थे, कोई एक ही रह रहा हो तभी तो हम बात कर रहे हैं इस कमरे में कौन रह रहा था, तो कैसे बोलेंगे इसको, हु वो अब तक इस कमरे में कौन रह रहा था, इस कमरे में अब तक कौन रह रहा था, हु वॉज लिविंग इन दिस रूम टिल नाउ। समझ में आ गया आपको। अच्छा, अब इसके हम नेगेटिव की बात कर लेते हैं, जैसे इस काम को करने की कौन मना कर रहा था, कोई एक मना कर रहा होगा, कौन आया यहाँ पर, कौन मना कर रहा था, तो हु वॉज रिफ्यूजिंग टू दिस वर्क। अर्चना अपने कपड़े सिल रही थी जब तुमने मुझे कॉल किया था, आप जैसे कि किसी ने कॉल किया आपको पूछे, तो उस समय अर्चना क्या कर रही थी, तो जब तुमने मुझे कॉल किया था तो अर्चना कपड़े सिल रही थी, किसके, अपने कपड़े। सिलना क्या होता है, शिव यानी कि SEW, तो क्या बोलेंगे इसको, अर्चना। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस वॉच वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये तो हो गया आपका अफर्मेटिव का सेंटेंस जो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब जब भी दो सेंटेंसों को जोड़ते हैं तो उसके साथ में सिंपल पास्ट का यूज होता है, और सिंपल पास्ट को कंटिन्यूस को जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज किया जाता है, वो फिर हम कंजक्शन लगाएंगे, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है, अर्चना अपने कपड़े सिल रही थी जब तुमने मुझे कॉल किया था। अर्चना अपने कपड़े सिल रही थी, इसका मतलब कंटिन्यूस का है, जब तुमने मुझे कॉल किया था यानी पास्ट इंडेफिनिट का है। तो किसको कैसे बनाएंगे हम इसको, कि अर्चना वॉज सुइंग हर क्लॉथ्स व्हेन, क्योंकि ये कंजक्शन है, व्हेन यू कॉल्ड मी, जब तुमने मुझे कॉल किया। तो जब भी दो सेंटेंसेस जोड़े जाते हैं तो उस समय व्हेन या व्हाइल का यूज होता है, किसका यूज होता है, व्हेन या व्हाइल का। अब उस व्हेन और व्हाइल का जो डिस्क्रिप्शन किस तरीके से यूज होता है नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ, वो टोटली ग्रामर बेस होगी, उसमें आप किसी भी एग्जामिनेशन या फिर डीपली तरीके से वॉच वर्ब और व्हेन व्हाइल इन सब का यूज पढ़ेंगे आप, ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा इसमें मैं एक और कंसेप्ट रह गया बता दूँ, कि लास्ट में, मतलब लास्ट में सी से पहले, सी का मतलब होता है कॉन्सोनेंट, से पहले टू वी यानी कि दो वोवेल आए तो सीधा ING लगा देते हैं, कैसे, ये ईट में टी जो है कॉन्सोनेंट है, उससे पहले दो वोवेल हैं तो हमने सीधा ING लगा दिया यहाँ पर। क्लियर बच्चों? अब नेक्स्ट है आपका CBC का मतलब होता है कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, जैसे कि सिट, तो सिट में क्या है, एस कॉन्सोनेंट है, वी आई वोवेल है, और फिर टी कॉन्सोनेंट है, तो हो तो सीधे ING लगा देते हैं, सीधे ING लगा देते हैं। किस तरीके से, इसमें कंडीशन है, इसमें जब डबल होता है ना तब लगाते हैं इसको, क्या होता है, डबल होता है, कैसे होता है, जैसे कि ओपन यानी कि ये कॉन्सोनेंट है और फिर ये वोवेल है, और अगर यहाँ पे बात की जाए तो ये तीन है ना लास्ट के, ये PEN यानी ओपन, तो यहाँ पे क्या सीधा डायरेक्ट लग गया ओपनिंग। और मैं आपको ये बताऊंगा कि जब रन के साथ डबल N क्यों लगाया जाता है और मेक के साथ में ई हटा करके ING क्यों लगाई जाती है, ये नेक्स्ट वीडियो में होगा आपका। देखिए नेक्स्ट है आपका बिजिट, बिजिट में ये SIT है, जब सिंगल SIT आएगी तो डबल T के साथ ING लगी, लेकिन ये बिजिट आया है तो बिजिट के साथ है, बिजिट में केवल ING लगा करके हमने सेंटेंस को बना दिया है। जब ई साइलेंट होती है तो हम ई को हटा करके ING लगा देते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ई नहीं हटती और डायरेक्ट ING लग जाती है, वो कौन से केसेस होते हैं, जब भी एंड में डबल ई, YE, OE, IE ये शब्द हो तो डायरेक्ट ING लगा दी जाती है, जैसे कि फ्री डबल ई है तो ING डायरेक्ट लग गई, डाई वाई है, बाई ई है तो क्या लग गया इसमें, डायरेक्ट ING, टॉय OE है तो डायरेक्ट क्या लग गया, ING। क्लियर हो गया? अच्छा, कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं बच्चों जहाँ पर हम किसी एक वर्ब के साथ ING जोड़ने से पहले के लगाते हैं, तो
के लगाने वाली कंडीशन आपने पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, लेकिन आज आप पढ़ लीजिए कैसे, कि एंड में जब सी हो, क्या हो, एंड में जब सी हो तो हम के जोड़ के आईएनजी लगाते हैं, कैसे, जैसे कि पिकनिक, क्या है, पिकनिक, तो पी आई सी एन आई सी पिकनिक, तो जब हम आईएनजी जोड़ेंगे इसमें तो पिकनिक को क्या करेंगे, पी आई सी एन आई सी के लगा देंगे और फिर आईएनजी लगाएंगे तो पिकनिकिंग आ जाएगा। और ऐसे ही पैनिक, पैनिक के साथ में क्या करते हैं हम, पी ए एन आई सी, तो सी आ रहा है लास्ट में तो सी के साथ फिर के लगा के आई एन जी लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, पी ए एन आई सी के आई एन जी। यहाँ तक क्लियर हुआ, इसकी प्रैक्टिस मैं लेके आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपका वॉच वर्क का पूरा यूज होगा, फुल तरीके से सारे कंसेप्ट छूटेंगे नहीं। तो ये आपका इंग्लिश स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से था, वो आपके इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, उसमें आप हम सारे सेंटेंसेस कवर करेंगे जो ग्रामर और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप दोनों वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि जैसे कि अभी यहाँ पर एक सेंटेंसेस आया है ना ये वाला जिसमें कंजक्शन लगाया है, तो वो मैं ज़्यादातर पूरी वीडियो कंजक्शन की ही लेके आऊँगा। ठीक है बच्चों, तो मिलता हूँ आपको उस वीडियो में, तब तक उस क्लास के अंदर मिलता हूँ आपको मैं, तब तक ये वीडियो आप रेगुलर देखते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले आने वाली वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे कंसेप्ट में लेके आ रहा हूँ ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद में इस वॉच वर्क की प्रैक्टिस लेके आऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम एक्शंस के साथ में। ठीक है, तो मिलता हूँ गाइज आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।